हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये बायो वर्ल्ड में आपका पैरामेडिकल का 5 टेस्ट है। 4 टेस्ट आप लोग का निकल चुका है। अगर आप लोग नहीं दिया है तो के प्लेलिस्ट में जा कर के टेस्ट वाला फोल्डर में जा कर के आप सारा वीडियो देख सकते हैं उसका आंसर सहित। ठीक है, तो चलिए आज के टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, ये किसी राजा के नाम से है? ठीक है, तो इनमें से कौन से राजा के नाम पर यह भारत पड़ा, ये आपको आंसर करना है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? देखिए, ये चारों बहुत ही हाईटेक सिटी है, यानी कि बड़ा शहर है, लेकिन इन सब में एक नंबर पे कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। आप लोग याद रखिएगा क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, तो राज्यों की संख्या बताना है आप लोग को। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का अपना सबसे लंबा नदी कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में भाग लेते, तीर चिन्ह देख करके देखते होंगे कि इधर बनता है और इधर भाग लेता है, तो भाग लेने वाले तीर के इस साइड जो रहते हैं यहाँ पर, ये क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी है, या संयोजन है, कि उपचयन है, कि द्व्युपचयन है, ये आप लोग को बताना है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है? ये एक पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक मतलब बेस। ठीक है, बेस बेस को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, ये भी हम पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। शायद टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पहले आया था, फर्स्ट टेस्ट या दूसरा टेस्ट में। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन हिंदी से आ जाता है, फूल कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर फूल कौन सा संज्ञा है, ये संज्ञा का चार्ट भेज दिया हुआ है, इनमें से आपको कौन सा संज्ञा है ये पूछा गया है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी जो है आपकी, ये किस संज्ञा में आती है? द्रव्यवाचक में तो नहीं आएगा, इसलिए द्रव्यवाचक इसमें नहीं दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, इनमें से आपको चूज करना है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर रूट है, या यौगिक है, कि योग रूट है, ये आपको चूज करना है। उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन है, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना, ना कि स्लीपिंग वाला सोना, ये सोना हो गया तत्व जो सोना होता है वो। ठीक है, उसके बाद चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं, यानी कि कोई कहता ना मैं हूँ, तो ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये आपको बताना है। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजी से क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन पहला या शायद दूसरा वीडियो में बताए हुए थे, आप लोग को बोले थे कि पूरा जितना भी टेस्ट से पहले आप लोग जितना भी वीडियो रहता है सबको देख लिया कीजिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग टेस्ट में, और हाँ, टेस्ट का आंसर एक ही कमेंट में सारा करिएगा, अगर अलग अलग करिए रहिएगा तो उसका हम काउंटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद चलिए 2वां नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजी का, मनुष्य में मादा जनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से किस हार्मोन का स्राव होता है? यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से किस हार्मोन का रिलैक्सेशन होता है या रिलीज होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद चलिए 3रा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गति जो हमारे मतलब अनुकूल गति करता हो, जैसे हाथ को हम ऊपर उठा रहे हैं तो उठ जाता है,
तो ये हुआ ऐच्छिकतें, ये किसके द्वारा होता है ये आपको बताना। उसके बाद चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल जो रहता है वो कहाँ रहता है और किसके द्वारा होता है ये बताना आप लोग को। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, ये तो हाल ही फिलहाल के वीडियो आया उसी में ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री बायो हिंदी और जीके से दिए हैं, तो इन सभी का आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं इस बार कौन टॉपर बनते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।